हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस और चैप्टर नंबर फर्स्ट मी एंड माय फैमिली। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फैमिली। लेट्स स्टार्ट। फैमिली अ ग्रुप ऑफ पीपल कंसिस्टिंग ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन इज अ फैमिली। स्टूडेंट्स, फैमिली क्या होता है? जिसमें उनके पेरेंट्स और उनके बच्चे रहते हैं उसे हम कहते हैं फैमिली। फैमिली में भी बिग और स्मॉल। फैमिली बिग भी हो सकती है और स्मॉल भी हो सकती है। इट मीन्स बड़ी और छोटी। अ स्मॉल फैमिली ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। जो स्मॉल फैमिली होती है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? पेरेंट्स और उनके बच्चे। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। एंड वॉट इज द बिग फैमिली? बिग फैमिली इज कंसिस्ट ऑफ ज्वाइंट फैमिली, जिसमें उनके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट एंड कजन्स दे वर लिविंग। अ स्मॉल फैमिली ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। स्मॉल फैमिली को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। एज अ सेट ऑफ पेरेंट्स विथ वन और टू चिल्ड्रन, उस फैमिली में उनके पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। दैट्स कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ए स्मॉल फैमिली। इस पिक्चर में कौन कौन है स्टूडेंट्स? पापा, मम्मी और उनके बच्चे। इट मीन्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। अ बिग फैमिली हैज वन सेट ऑफ पेरेंट्स विद मोर देन टू चिल्ड्रन इज नोन एज बिग फैमिली। स्टूडेंट्स, बिग फैमिली किसे कहते हैं? यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पेरेंट्स और मोर देन टू चिल्ड्रन, मतलब दो बच्चों से भी ज्यादा बच्चे। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, पापा, मम्मी और उसके थ्री चिल्ड्रन है। ओके, अ जॉइंट फैमिली has more than one set of parents living their children. Joint family में students कौन कौन होते हैं? Grandparents, parents, uncle, aunt and their children. A joint family can be both big or small. Students, जैसे अभी हमने read किया, small family में भी small family और big family होती, वैसे ही joint family में भी small family and big family. You can see in this अ स्मॉल जॉइंट फैमिली, इसमें कौन है? दादा दादी, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। एंड इन दिस अ बिग जॉइंट फैमिली यू कैन सी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट एंड देयर कजिन। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नीड फॉर अ फैमिली। व्हाई डू वी नीड फॉर अ फैमिली? अ न्यू बॉर्न बेबी नीड्स अ लॉट ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे बहुत केयर टेक के साथ रखना पड़ता है, उसे बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। द फैमिली लुक आफ्टर द ग्रोथ, एजुकेशन एंड अदर नीड्स ऑफ चाइल्ड। फैमिली उसे देखती है, उसे क्या जरूरत है, उसे कैसी ग्रोथ, एजुकेशन एंड बेसिक नीड्स। फैमिली इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल। फैमिली ही हमारी फर्स्ट स्कूल होती है और स्कूल हमारा सेकेंड स्कूल होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऑफ अ चाइल्ड बिकॉज ही और शी लर्न्स मैनी थिंग्स फ्रॉम दी फैमिली। स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन फर्स्ट, आर स्कूल इज दी, आर फैमिली इज दी फर्स्ट स्कूल वेयर ही और शी लर्न्स मैनी थिंग्स फ्रॉम आर फैमिली बिफोर स्टेपिंग आउट इनटू दी वर्ल्ड। बाहर जाने से पहले वो सब कुछ किससे सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। अ चाइल्ड लर्न्स अबाउट द कल्चर एंड द वैल्यूज। चाइल्ड किससे सीखता है कल्चर्स और वैल्यूज? अपने पेरेंट्स से। ऑफ द लाइफ फ्रॉम द फैमिली। ऑल एलिमेंट्री हैबिट्स, जो भी बेसिक हैबिट्स होती है वो किससे देखकर सीखता है? अपने पेरेंट्स से देखकर सीखता है। आर डेवलप इन द फैमिली एनवायरमेंट। और हमेशा एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए एक बेबी के लिए? हेल्दी एनवायरमेंट होना चाहिए, जिससे वो जो भी चीज सीखे आसानी से सीखे। The child learns how to speak. वो क्या क्या सीखता है? कैसे बोलना है, कैसे काम करना है, कैसे चलना है। Work and behave in a different situation. Each member of family is closely linked. एक बच्चा किससे ज्यादातर linked होता है? अपनी family से। Move to the next topic. Family life is influenced by all its members. एक children की पूरी जो लाइफ होती है वो किससे इन्फ्लुएंस होती है? बाय फैमिली।
आर फैमिली सपोर्ट, हमें हमारी हमेशा फैमिली सपोर्ट करती है, शेयर करती है हमसे सब कुछ. आर फैमिली सपोर्ट्स एंड शेयर ऑल आर जॉयज एंड सैरो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉय एंड सैरो? इट मींस सैडनेस एंड हैप्पीनेस. इट मीन्स जो भी जॉय और सैरो होती है वो कौन शेयर करता है? हमारी हम फैमिली के साथ हम शेयर करते हैं जो भी, जिसको कहते हैं दुख और सुख. इट इज आवर ड्यूटी टू कोऑपरेट विद आवर फैमिली मेंबर्स. और हमें हमेशा कोऑपरेट करना चाहिए किसके साथ? अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. रिमेंबर डेट केयरिंग एंड शेयरिंग आर द टू पिलर्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ. हमेशा हमारा नेचर कैसा होना चाहिए फैमिली के टूवर्ड्स? केयरिंग और शेयरिंग. दिस इज द टू पिलर्स ऑफ हैप्पी फैमिली. अगर आप सब कुछ केयर करोगे, अपने फैमिली मेंबर्स की केयर करोगे, उनसे सब कुछ शेयर करोगे, तो आपकी लाइफ कैसी चलेगी? स्मूथ चलेगी. और कौन सी फैमिली होगी? हैप्पी फैमिली होगी. नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर फैमिली. वी आर रिलेटेड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली. हमारी जो लाइफ है किससे जुड़ी हुई है? हमारी फैमिली से. Let us meet Ram and his relatives. अब हम मिलते हैं राम के relatives से. There are many relatives who do not live with us. ऐसे बहुत सारे relatives होते हैं जो हमारे साथ नहीं रहते, but time to time जो भी functions होते, कोई भी occasions होते, हम उनसे मिलते हैं. We usually meet them during family functions, vacation and festival. अभी मैंने आपको बताया हम उनसे कब मिलते हैं? वैकेशंस में मिलते हैं, फैमिली फंक्शंस में मिलते हैं, ओकेजन्स में मिलते हैं और फेस्टिवल्स पे मिलते हैं. व्हेनेवर वी मीट वी हैव अ ग्रेट टाइम, वी प्ले विद आवर कजन्स. और जब भी हम उनसे मिलते हैं हमारा दिन बहुत अच्छा जाता है और हम हमारे कजन्स के साथ क्या करते हैं? खेलते हैं. और उनसे हम हमारे जो भी जॉयस सॉरोज होते वो शेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज द राम रिलेटिव. मिस्टर मोहनदास इज माय फादर्स फादर. मोहनदास कौन है? जो राम है उसके दादा, दैट इज ग्रैंड पेरेंट्स. ये कौन है राम के? ग्रैंड पेरेंट्स. ही इज माय ग्रैंड फादर. मिस्टर रानी दास इज माय फादर्स मदर. रानी दास कौन है? राम के फादर की मदर है. शी इज माय ग्रैंड मदर. दादा का नाम क्या है राम के? मोहनदास. और दादी का? रानी दास. नेक्स्ट, and Das is the surname. Surname of Ram family. Ram family. Okay students, I am their grandchildren. और राम क्या है? उनका grandchildren है, सबसे बड़ा child है. I love my grandparents वेरी मच. राम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत प्यार करता है. दे टू लव मी वेरी मच. और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी राम को बहुत पसंद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं. मिस्टर रतन दास इज माई ग्रैंड फादर्स सन. रतन दास कौन है? ग्रैंड फादर सन है. ही इज माई फादर. राम के फादर का नाम क्या है? रतन दास. माई फादर इज द मैनेजर इन द बैंक. राम के फादर का क्या ऑक्यूपेशन है? वो क्या काम करते हैं? वो मैनेजर है. कहाँ पर? बैंक में. मिस्टर मिसेस प्रिया दास. मिसेस प्रिया दास कौन है? राम की मदर. प्रिया दास इज माय फादर्स वाइफ. उनके फादर की जो रतन दास है उनकी वाइफ है. और राम की क्या हुई? मदर. शी इज माय मदर. अभी मैंने आपको बताया प्रिया दास राम की कौन है? प्रिया दास राम की मदर है. My mother runs an NGO for the welfare of a woman and children. राम की मदर क्या करती है? राम की मदर NGO को रन करती है, हेल्प करती है पुअर पीपल्स को, पुअर चिल्ड्रंस को और नीडी वुमेन्स को. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मूव टू दी नेक्स्ट वन. मिस्टर अनिल दास इज माई फादर्स ब्रदर. जो रतन दास है उनके रियल ब्रदर है कौन? अनिल दास. ही इज माय फादर्स ब्रदर. तो वो राम के क्या हो गए? राम के चाचा. चाचा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? अंकल. हिज वाइफ इज माय आंट. और जो उनकी वाइफ है वो राम की क्या हो गई? आंट हो गई. राम आंट.
कौन हो गए स्टूडेंट, राम्स आंट एंड राम्स राम्स अंकल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, माई अंकल लिव्स विथ हिज वाइफ एंड डॉटर इन अनदर सिटी। राम के अंकल आंट कहाँ रहते, दूसरी सिटी में रहते, किसके साथ, वो अपनी डॉटर के साथ रहते। ऐसी फैमिली को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली। विच फैमिली, स्मॉल फैमिली। नेक्स्ट, मिसेस राखी सेन इज माय फादर सिस्टर। राखी सेन कौन है, जो राम की बुआ है, इज माय फादर सिस्टर, जो रतन दास है उनकी सिस्टर है। शी इज माय आंट, बुआ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंट। और चाचा चाची को भी हम क्या बोलते हैं, अंकल एंड आंट। और बुआ और फूफा जी को भी हम बोलते हैं अंकल एंड आंट। हर हस्बैंड इज माय अंकल, और जो उनके हस्बैंड है वो भी मेरे क्या है, अंकल है। माय आंट स्टे विद हर फैमिली इन अनदर स्टेट, और जो राम के अंकल आंट है वो अनदर स्टेट में रहते हैं। माय आंट एंड हर फैमिली विजिट आर प्लेस ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड हॉलीडेज। राम की जो बुआ है वो कब आती है, ओकेजन्स, फैमिली और फैमिली फंक्शंस में आती है और उनसे मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फैमिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलैरिटीज, इट मींस जो आपके पेरेंट्स है उनकी जो हेरिडिटरी कुछ जीन्स है वो आप में भी सिमिलर होती। फॉर एग्जाम्पल, हम नहीं कहते कि आप अपने पापा जैसे दिखते हो, आप अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, इट मींस यू हैव जनरेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली में रिजेंबल ईच अदर, इट मींस जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ ना कुछ उनमें से रिजेंबल करते हैं, वो कुछ ना कुछ सेम दिखते हैं। दे हैव सिमिलैरिटीज, यूजुअली दे आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली विथ रिस्पेक्ट टू देयर लुक्स, हैबिट्स, एटीट्यूड। आप में उनकी जो सिमिलैरिटीज होती है बाय लुक्स से होती है, हैबिट्स से होती है, लाइक्स और डिसलाइक्स से हम पता कर सकते हैं कि ये आपके पेरेंट्स हैं, उनकी सिमिलैरिटीज आप में भी होती है। दीज सिमिलैरिटीज विच आर प्रोसेस्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो आपकी सिमिलैरिटीज है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास होती है। ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हेरिडिटरी फीचर्स। मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मे हैव द आइडेंटिकल फीचर्स। कभी कभी क्या होते हैं, जो हमारे ब्रदर होते हैं और सिस्टर्स होते हैं, कभी कभी उनके फीचर्स जो होते हैं सिमिलर होते हैं बाय पेरेंट्स और बाय कजन्स, बट दे मे बी एंटायरली डिफरेंट इन देयर बिहेवियर्स, लाइक और डिसलाइक। अभी मैंने बताया भले उनके फीचर्स सेम होते हैं पर उनका जो बिहेवियर होता है, उनकी हैबिट्स होती है, उनके लाइक और डिसलाइक्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट, most children resemble their parents but there are some who do not। kuch kuch resemble karte apne parents ke features ko, kuch kuch same dikhte par kuch log ekdam different dikhte apne parents se। some children may even look like their uncle, aunt, grandparents or cousins। abhi maine aapko bataya unke jo features hote hain wo kis kis se mil sakte, ya to grandparents se, cousins se, uncle aunt or their parents। Children born at the same time to a mother are called twins। Twins, अगर at the time of born अगर दो children एक साथ होते हम उसे क्या कहते हैं, twins कहते हैं। क्या कहते हैं students, twins। अगर एक ही mother के at the time दो students होते हैं, दो children होते हैं उसे हम क्या कहते हैं students, twins। Some twins look identical। कुछ जो ट्विंस होते हैं या तो वो सेम दिखते हैं और कुछ ट्विंस ऐसे भी होते हैं एक्सेप्शनल केस जो सेम नहीं दिखते हैं। सम लुक एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अभी मैंने बताया कुछ ऐसे भी होते हैं जो एकदम डिफरेंट होते तो वो ट्विंस है, होते तो एट अ टाइम सेम टाइम पे बट उनके जो फीचर्स होते हैं आइडेंटिकल होती वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ऐसे ट्विंस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैटर्नल ट्विंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट, पैटर्नल ट्विंस। Identical twins are also two boys or two girls। Identical twins या तो दो boys भी हो सकते हैं
या टू गर्ल्स भी हो सकती है या ये भी हो सकता है एक बॉय और एक गर्ल। नेक्स्ट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, जो हमारी फैमिली होती है वो कंसिस्ट होती है पेरेंट्स और देयर चिल्ड्रन। फैमिलीज आर ऑफ मेनी टाइप्स। कौन कौन सी फैमिली थी, स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली। फैमिली इज राइटली कॉल्ड द फर्स्ट स्कूल ऑफ अवर चिल्ड्रन। फैमिली एक है जो चिल्ड्रन के लिए फर्स्ट स्कूल है। बाहर निकलने से पहले वो अपनी फैमिली से सब कुछ हैबिट्स, बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स वो कहाँ से सीखता है। He or she learns from many things from their family. You are related to all the members of your family. और आपके जो भी identical features होते हैं वो आप किससे मिलते हैं, आपके family members है। It may be grandparents, parents, cousins, uncle and aunt. Family union is very important for children because it teaches them values and tradition of the family. फैमिली का यूनियन एक स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी जो भी चीजें होती है वो किससे सीखते हैं, फैमिली से सीखते हैं। और क्या सीखते हैं, वैल्यूज, ट्रेडिशन, क्या कस्टम्स है, क्या नॉर्म्स है, आप किससे सीखते हैं स्टूडेंट्स, अपनी फैमिली मेंबर्स से। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।